हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शीतल स्प्रिट स्टोरी। और अभी बच रहे हैं 9 एंड टुडे इज 4 एज टू गो फॉर गणेश चतुर्थी। एंड अभी सुबह उठते ही मैं ये वापस से स्ट्रिप्स काटने लग गई हूँ, कल जो मेरे 5 स्ट्रिप्स बचे थे तो उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। चलिए फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलूँगी। तो गाइस, अब मेरे वो जो बचे हुए 5 सेंटर्स थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ वो सब कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए, ये रहे मेरे सारे फ्लावर्स एंड ये रहे मेरे सारे सेंटर। तो अब मेरा डेकोरेशन का काम तो हो गया है फिलहाल का, तो अब पहले रेडी होते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो मैं आपको रेडी होके मिलती हूँ। चलिए बाय। तो गाइस, मैं फ्रेश हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं आज भी छुट्टी ले लूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ ऑफिस के लिए। मैं करती हूँ अभी HR को फ़ोन, और अगर छुट्टी मिल जाती है तो फिर आज शाम को मार्केट भी चलेंगे, जो छोटा मोटा सामान लाना बचा है वो ले आएंगे, और फिर आज सनफ्लावर की लीफ भी बना के रख देंगे। अब छुट्टी ले ही रही हूँ तो उसको यूटिलाइज करती हूँ। तो चलिए, अब मैं भी काम पर लगती हूँ। मैं भी जो बचे कुछ लीफ है वो बना लेती हूँ, और उसके पहले देख के आते कि मम्मी क्या कर रही है। मम्मा, क्या कर रहे हो आप? मैं साके बना रही हूँ बेटा। ओके, और बना ली मैंने। ओके, कहाँ है वो? शंकर पारे बनाने जा रही हूँ। ओके, शंकर पारे का आटा तैयार है। ओके, तो अभी आप कब तक बनाओगे ये? 4 o'clock। 4 o'clock फिर थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर शाम की तैयारी करेंगे। अच्छा, और गणपति के लिए अभी और क्या क्या बनना बचा है? अभी दो तीन वैरायटी के लड्डू हैं। ओके, मूंग की दाल की बर्फी है, गुलाब जामुन है, केक है, खीर है, पुआ है। ओके, और मेरे को अभी दिमाग याद नहीं आ रहा, बहुत सारे आइटम हैं। ये वाली पत्ती अच्छी लग रही है कि ये वाली? ये वाली अच्छी लग रही। ये वाली? तो ये तो जंबो है ना है? ये तो हाथी है। तो ऐसी सारी काट दूं? पंदर तो एक पेपर में जितनी आएगी उतनी काट दूंगी, बस इससे ज्यादा नहीं काट रही मैं। हेलो अम्मा, हेलो कर दो। तो गाइस, मैंने वो लीफ फाइनल करने के बाद मैं कुछ देर सो गई थी एंड फिर अभी थोड़े टाइम पहले उठी हूँ। पर बिफोर आई मीट यू ऑल गाइस, मैंने मेरी सारी लीफ रेडी कर दी है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ और फिर आगे की बातें करते हैं हम। So yeah, this is how my leaf looks and this is one of them, I'll show you. It looks perfect. And these are so many leaves already. So guys, कल का जो ब्लॉग था उसमें आपने सनफ्लावर देखे थे एंड आज का जो ब्लॉग है उसमें आपने लीफ देखे। तो अगर आपको ये सनफ्लावर और लीफ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, तो फिर मैं आपको एक इसका अलग से एक ट्यूटोरियल वीडियो दे दूँगी। अब सारा काम हो ही गया है तो एक कप चाय तो सुकून से बनता ही है। तो गाइस, चलिए अब चलते हैं किचन में क्योंकि आज बन रहा है पिज़्ज़ा एंड पिज़्ज़ा बनाना इज़ माय फेवरेट। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हाउ आई मेक पिज़्ज़ा। तो गाइस, ये सब है मेरे इंग्रेडिएंट्स। ये है मेरी शेजवान चटनी, ये आइस क्यूब्स, ये पिज़्ज़ा ब्रेड। यूजुअली मैं घर पर बनाती हूँ पर आज बहुत लेट डिसाइड हुआ था तो मैंने बाहर से मंगा लिए। ये है कैप्सिकम, टमाटो, कॉर्न एंड हम लोग अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं तो दिस इज़ प्योर जेन। गाइस, ये देखिए, ये मेरा पिज़्ज़ा है रेडी। अभी इसको मैं बेक करने गैस पे रखूँगी, मैं तवे पे बना रही हूँ इसको। एंड देन आई विल कवर इट। गाइस, ये देखिए, ये मेरा पिज़्ज़ा है रेडी और अब देखते हैं ये कैसा बना है। मम्मा, खा के बताओ कैसा लग रहा है, एकदम सच सच बताना। अच्छा है? पापा आप भी टेस्ट करो। हाँ, आपसे भी पूछूंगी। आपको खिलाने के बाद अपनी बारी है।
सो गाइस, अगर आपने ये वीडियो पूरा यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।